अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज मैं आपको लेकर आई हूँ डॉलर शॉप पर। ये वाह कैंट में बस्ती में अंदर मौजूद है और यहाँ पर देखिए मैं टॉय सेक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ हैं और ये इस तरफ जो है वो क्रॉकरी की कुछ चीज़ें प्लेट्स पर प्लास्टिक मटेरियल में लगी हुई हैं। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको $1 में मिल जाती हैं, अदरवाइज़ कुछ $2 में भी होती हैं अगर कुछ ज़्यादा कॉस्टली हों, वरना कुछ जो हैं वो आपको मल्टीपल चीज़ें $1 के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये आपको खुद से ही जाएंगे विज़िट करेंगे तो पता चल जाएगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर $1 की हैं। बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो ह्यूज वैरायटी मौजूद है। इस तरह ये देखें, ये बच्चों के लंच बॉक्सेस अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। किचन की बास्केट्स वगैरह इस तरह की, जिस तरह किचन में यूज़ हो रही होती हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और भी बहुत कुछ मौजूद है यहाँ पर। ये देखें, डेकोरेशन के लिए फ़्लावर्स और इस तरह के बुके वगैरह बनाने के लिए फ़्लावर्स मौजूद हैं। और मैं आपको और नेक्स्ट इसका विज़िट कराती हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। ये देखें, ये किचन की और वाशरूम की कुछ चीज़ें भी आपको अवेलेबल हैं। अगर मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ पर ये देखें, ये बच्चों की पोनियाँ, बड़ों की भी हैं और बच्चों की भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। ये पूरे पूरे जो है ना डब्बे बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि कुछ जो है छोटे डब्बे जो हैं आपको $1 मिल जाते हैं, जो बड़े हैं वो फिर आपको $2 में अवेलेबल होते हैं। लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। आप देखें, हर तरह की तकरीबन जो है पोनी ब्रांड जो है वो अवेलेबल हैं, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ से मैंने ये पिंक और वाइट वाली उठाई थी, लेकिन वो भाई मुझे बता रहे थे कि ये $2 में है, तो फिर मैंने चेंज करके छोटे वाला पैकेट ले लिया था, तो वो मुझे $1 में अवेलेबल हो गया था। और इसके बाद नेक्स्ट जो इनका सेक्शन है वो ज्वेलरी का है, वो भी मैं आपको विज़िट कराती हूँ। लेकिन ये देखें, ये पोनियों का बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। और ये देखें, ये जो है इनका ज्वेलरी का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, नेकलाइन है, ब्रेसलेट्स हैं और बहुत सी ज्वेलरी है। चूड़ियाँ मौजूद हैं, बच्चियों की, बड़ों की, सबके साइज़ की मौजूद हैं। टॉप्स, एयर रिंग्स, बहुत वैरायटी मौजूद है और प्राइस जो है वो बहुत ही रिजनेबल है। तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें एक दफ़ा, तो आपको पता चलेगा। ये जो है ना बाटा का जो इनका आउटलेट है, बाटा का बस्ती में, उसके बिल्कुल नीचे ये शॉप मौजूद है, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। और ये देखें, ये बहुत अच्छी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो है ना वो चीज़ें अवेलेबल थी, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। और ये देखें, इसके अलावा जो है वो कुछ पाउचेस और इस तरह की चीज़ें भी जो है वो $1 में अवेलेबल थे। वो आगे जहाँ पे पोनियाँ पड़ी थी उनके साथ वो भी मौजूद थे। ये देखें, ये जो हैं ये रिंग्स मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी और प्यारी प्यारी सी रिंग्स भी हैं इसमें। और जी देखें, यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, छोटी बड़ी हर चीज़ यहाँ पर। ये देखें, ये पाउचेस पड़े हैं जो कि आपको अगर ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए यूज़ करने हों वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट्स भी मौजूद हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और ह्यूज वैरायटी है, जिस चीज़ को भी आप एक्सप्लोर करेंगे बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ परफ्यूम्स और वो कॉस्मेटिक्स वगैरह भी पड़े थे दूसरी तरफ, और इस तरफ पोनियाँ और ये सब कुछ पड़ा था ऊपर। ये देखिए, छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस भी हैं जो कि आपको $1 में अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखिए, ये पोचेस हैं छोटे छोटे से, बड़े से, जो भी आपने लेना हो यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है इनका घर की। ये देखिए, यहाँ परफ्यूम्स अवेलेबल थे और यहाँ पर ये देखिए, ये डेकोरेशन पीसेज और घर के एक्सेसरीज वगैरह आपको मिल जाती हैं। ये टेबल मैट है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सी डेकोरेशन पीसेज, फ़ोटो फ्रेम्स और इस तरह की चीज़ें आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए जी, ये देख सारे फ्लावर्स और डेकोरेशन पीसेस आपको $1 में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम इस सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको किचन की छोटे छोटे यूटेंसिल्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये देखें, नाइफ्स और इस तरह की बेकिंग टूल्स और वो सब कुछ आपको जो है ना 150 में अवेलेबल हो जाएगा। और ये देखिए, नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ
ये बच्चों की कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं और इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, स्कूल की स्टेशनरीज वगैरह, वो भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मिल ही जाता है। ये देखें किचन की एक्सेसरीज। नेक्स्ट मैं चलती हूँ आपको दिखाती हूँ किचन सेक्शन, जहाँ पर ये देखें जी डिफरेंट तरह के बर्तन आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट एक्सेसरीज मिल जाएंगी किचन की, जो कि आपको ह्यूज वैरायटी नज़र आ रही होगी। इस तरफ क्रॉकरी है, प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, और इस तरफ जो है वो प्लास्टिक के बाकी बर्तन वगैरह, बाउल्स, और ये आइस क्यूब्स बनाने के लिए ट्रेज हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा स्टोर है, ये डॉलर शॉप बनाई है इन्होंने, काफ़ी बड़ी है यह। और इसके बाद ये देखिए जी, मैं आपको नेक्स्ट इस सेक्शन में लेके जाती हूँ, जहाँ पर किचन के जो है वो बर्तन मिल जाएंगे आपको, और तरह के देखिए यहाँ पर आपको ये है कि प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। और ये देखें ये वॉशरूम की एक्सेसरीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ का विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।